आईज में दर्द होना स्टार्ट हो गया यार। टिकू नहीं चाहिए मुझे, टिकू ओए करंट पड़ रहा है। बस 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 ये कितना है नंदनी बे नीरज 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 Guys, you should try period pain simulator. क्या आपको पता है? कुछ experts का मानना है कि period cramps का pain can be described as almost as bad as having a heart attack. Still, it is often considered as an excuse to get out of work. वो शायद इसलिए क्योंकि किसी और का दर्द समझने के लिए खुद उस दर्द से गुजरना is very important. And that is why we are taking the first step. और इसमें हमारी हेल्प कर रही है कामाख्या इंडिया, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सस्टेनेबल मेंस्ट्रुअल हाइजीन को प्रमोट करता है और पीरियड्स के अराउंड सारे टैबूज की धज्जियां उड़ा देता है। तो इनके साथ पीरियड पेन सिमुलेशन ट्राई करने के लिए सूरत चले। हाय नदी। हाय नीरज। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। एक बहुत ही अच्छा लाइन है, बोलते मर्द को दर्द नहीं होता है पर आज सबको दिखाते हैं कि वो होता है तो कैसा लगता है। ये देख के बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जब फिल्मों में जान चली जाती है तब ऐसे लगाते हैं ना। I am very affable, तो मैं बता दूंगा कि दर्द हो रहा है, नहीं रुको। मेरा पेन टॉलरेंस लेवल ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 इज -300। पीरियड पेन का क्रैम्प्स कैसे उठता है या कैसा होता है उसका आई एम नॉट सेइंग 100% फील करा रहे, उसका सिर्फ 10-20% ही फील करा रहे हैं। हर विमेन को इससे बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, इससे बहुत कम भी हो सकता है। बट दी आइडिया इज़ कि आपको फील हो कि जब कोई पीरियड में मेंस्ट्रुएटर्स होते हैं तो एक्चुअली व्हाट गोज ऑन देयर लोअर एब्डोमेन। मैंने देखा है लोगों को रोते हुए देखा है और काफी परेशान देखे, पेन में देखे। ये एक बार मुझे प्लीज ये सिमुलेटर समझाओगे? एक्चुअली दो चैनल्स है, दिस इज कॉल्ड पल्स सिमुलेशन। ओके, दिस इज हाउ वी इंक्रीज द चैनल का द वेरिएशन और ये फ्रीक्वेंसी है। सो इसको थोड़ा कम ही रखेंगे क्योंकि मुझे समझ आ जाएगा। एक्साइटमेंट भी है बट ऐसा लिटरली फट रहे हैं। करना क्या इनका? अपने लोअर एब्डोमेन पर प्लेस करके अपना हाथ ऐसे रखना है। एक सेकेंड, अभी शुरू नहीं करेंगे। अभी स्लोली इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, ठीक है, ओके। मीडियम थोड़ा जा रहे हैं। इनिशियली तो ऐसा था वो फिश स्पा, रुकना नंदिनी। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा जो दिल है अब यहाँ धड़क रहा है। दुक 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 दुक। ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे ज़ाइलोफ़ोन के ऊपर ऐसे ऐसे डंडियां मार के म्यूजिक बनाया जाता है ना, दब, 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 दब। वैसी डंडियां मुझे कोई लोअर एब्डोमेन पे मार रहा है। बस 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 करंट पड़ रहा है। इट्स एट 4C एंड दिस इज स्टिल एट 10। ये मशीन खराब हो गई है। मेरे को ना यहाँ तक जा रहा है। तो ऐसा होता है कि आपको वहां तक इसलिए फील हो रहा है बिकॉज लोअर एब्डोमेन यहाँ पे है, सो मसल इज कॉन्ट्रैक्टिंग। यूट्रस इज मेड आउट ऑफ मसल्स, सो वहां का जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऑटोमेटिकली थाइज बैक पे जाते हैं। मेरा पेट अपने आप अंदर कंप्रेस हो रहा है, मैं नहीं कर रहा उसे, और ये पेन नेचुरली उसको अंदर लेके जा रहा है। मुझे सही, मेरा डांस निकल जाएगा पता है दर्द में। किसी को दिख रहा मेरे पैर ना अपने आप आगे जा रहे हैं। नंदिनी वेट, नंदिनी नंदिनी वेट, ओ नंदिनी वेट नंदिनी, अबे ये तो नहीं रुक रही ब्रो। मुझे इतना पता चल गया था कि इससे ऊपर मैं कुछ कर नहीं सकता और ना मेरे कंट्रोल में मेरी बॉडी, इसीलिए मैं खड़ा होकर चलना स्टार्ट कर दिया था। ये अभी आईज में दर्द होना स्टार्ट हो गया यार। ओए ये कितना है? 5 और 15 नहीं है। पैर ठीक तो हो जाएगा? हो जाता है, वो सिर्फ आपको थोड़ा मूव करना पड़ता है, रेस्ट, वॉक अराउंड, व्हाट एग्जैक्टली वी गिव एडवाइस इन पीरियड पेन। हमारा तो हर महीने होता है और वो ठीक हो जाता है, तो आपका तो हो ही जाएगा पक्का। ये फुल था? फक सॉरी जस्टिस एक, ये बंद है ना?
बंद है। इट जनरली इतना ही पेन होता है या इससे ज्यादा होता है? कितनी परसेंटेज? ये बहुत कम था क्योंकि फ्रीक्वेंसी सिर्फ 10 पे था। ट्राई करेंगे हम और आगे जाएंगे हम। सांस लेना ही अपने आप में मुश्किल लग रहा है, ऊपर से नंदिनी ने मुझे एक टास्क और दे दिया। सो हम लोगों ने बेसिकली डेली टास्क वाला ऑप्शन इसलिए रखा था ताकि हम लोग ये ट्राई कर पाए कि वेदर इट्स इजी टू कीप अ स्ट्रेट फेस ये सब दर्द के साथ। मतलब स्ट्रेट लाइन में चलना है चाहे कितना भी पेन हो रहा हो, ऐसे कर लो पर सीधा चलने की कोशिश करो। अपनी मम्मी को बताना है कि आपको खाने में क्या चाहिए, प्रोफेशनली बात करना हो, इंटरव्यू देना हो कि व्हाट आर यू गुड एट, यू हैव टू गेट अ जॉब, आई एम गुड एट पेन टॉलरेंस। स्लोली स्लोली प्रोसेस करेंगे, डे 1 डे 2 डे 3 टाइप का। स्लोली गोइंग टू डे 2 बिकॉज वो वर्स्ट होता है जनरली, मोस्ट ऑफ द डे 2 वर्स्ट होता है। डे 2 वर्स्ट होता है, मैक्सिमम पेन मैक्सिमम ब्लीडिंग। अभी लेट्स गो टू डे 2। अभी धीरे धीरे मैं इंक्रीज करिए, धीरे धीरे आप चलने की कोशिश करो। ऐसे ऐसे चल सकता हूँ मैं? ज़्यादा चर्पी सीधा नॉर्मल कैसे चलते हैं वैसे? मेरे को मम्मी को बताना है। हाँ हाँ चालू। मम्मी मटर पनीर बना दोगे कि नहीं? बोलो कंप्लीट तो करो, मटर पनीर ही खाना है। मटर पनीर बनाना है दो रोटी के साथ बस, दैट्स ऑल। खाना और नहीं खाना कुछ, ठीक है? थाइस, काफ्स, रिब केज, सारा कंप्रेस हो रहा है। मैं नहीं दे पाएगा इंटरव्यू, नहीं चाहिए मुझे इंटरव्यू। ओ फक, ओ फक। नीरज, नीरज, नीरज। बीइंग अ गाय मेरे दिमाग में अब तक ये था कि सबसे ज्यादा दर्द यू काइंड ऑफ फील द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेन द मोमेंट यू गेट हिट ऑन योर बॉल्स। वो कुछ नहीं था आज ब्रो। हे हाय, हाउ आर यू? सब ठीक चल रहा है लाइफ में? अरे बाप रे, मेरे पैर मेरे काबू में नहीं थे। थैंक्स टू नंदिनी, नंदिनी ने मुझे संभाल लिया, मैं गिर जाता। आई कैन सी यू स्वेटिंग फ्रॉम योर। ए व्हाट इफ समवन इज ड्राइविंग एंड ऐसा क्रैम्प होगा? ऑब्वियसली होता होगा ना, तो क्या है ऐसा? टॉलरेंस, वी आर जस्ट यूज्ड टू गेटिंग क्रैम्प्स। यू विल नॉट सी एनी वुमन टेलिंग बॉस सेइंग दैट आज मेरा सेकेंड डे, मैं इंटरव्यू के लिए नहीं आ सकती, आज मीटिंग कैंसिल करते हैं। पीरियड को एक तो टैबू सब्जेक्ट है हमारे देश में, और दूसरा अगर बात होती भी है तो भी इस पूरी कॉन्वर्सेशन को नेगेट करने के लिए ही बात होती है कि अरे क्यों पीरियड को अपना एक्सक्यूज बना रहे हो। तो कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं ऐसी जिनको शायद नहीं, इतना नहीं होता, उनके लिए नॉर्मल है, चलो ठीक है चल रहा है। बट वो जो मेरी कुछ फ्रेंड्स वो भी है जिनको बहुत ज़्यादा होता है, वो क्लैश करते हैं आपस में कि तेरे को क्या हो रहा है, इतना क्या हो गया, कि हमें भी तो होता है, तेरा भी ठीक है। I think you guys also need to try this. They say कि women दिखाती है कि बहुत दर्द होता है, but when they actually go through something, it's their body who's been able to take so much of pain. I really feel कि सारी organizations के HR teams को एक बारी ये simulation try करना चाहिए. Ask your HR team कि तुम करो इसे try, because then they will be able to draft new policies for their organization. So guys, आज का मेरा एक्सपीरियंस एकदम माइंड ब्लोइंग था, आंखें खुल गई। आई एम श्योर कि मतलब आप लोगों को भी थोड़ा सा ग्लिम्स मिला होगा हमारे एक्सपीरियंस का। एवरी फैमिली शुड ट्राई दिस, क्योंकि जब फैमिलीज एक साथ इस एक्सपीरियंस को ट्राई करेंगी ना, तभी घरों में इस बारे में कॉन्वर्सेशन होना स्टार्ट होगा। एंड यू ऑलवेज नो कि दुनिया में जब भी कोई चेंजेस आते हैं वो घर से ही आने शुरू होते हैं। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, comment down below and share this video to everyone, and don't forget to subscribe to the Urban Guide.